आज जाने माने स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता की पुण्यतिथि है। 19 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी पत्नी और कुछ अन्य लोगों के साथ जिस विमान में यात्रा कर रहे थे उसे पाकिस्तानी वायुसेना ने मार गिराया। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 19 फरवरी 1900 को भावनगर में जन्मे बलवंत राय गोपाल जी मेहता 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और औपनिवेशिक दमन का जमकर विरोध किया। उन दिनों औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध डटे रहना बहुत कठिन था। बलवंत राय मेहता ने कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन देश प्रेम के चलते औपनिवेशिक सरकार से डिग्री लेने से इनकार कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में मौजूद साम्राज्यवादी शक्तियों पर अपना रुख सार्वजनिक करने के बाद वो सन 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए और स्वाधीनता की लड़ाई में दिलो जान से जुट गए। उन्होंने गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1921 में भावनगर प्रजा मंडल की स्थापना की। मेहता ने 1930 से लेकर 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने अन्यायपूर्ण टैक्स लगाए जाने के विरुद्ध इतिहास प्रसिद्ध 1928 के बारडोली सत्याग्रह में भी सक्रिय भागीदारी की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश राज के दौरान बलवंत राय मेहता 7 साल जेल में रहे। सन 1957 में उनकी ही अध्यक्षता में बनी समिति ने देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर अपनी रिपोर्ट दी, जिसे आज हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की ही रिपोर्ट की बुनियाद पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। इसी समिति ने स्थानीय निकायों को नियोजन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण देने को कहा। मेहता का ये काम बेहद शानदार रहा, जिसका फायदा आज समाज के निचले वर्ग तक को मिल रहा है। पंचायती राज व्यवस्था को ताकतवर बनाने की संस्तुति के चलते ही बलवंत राय मेहता को पंचायत राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। समर्पण और दृढ़ व्यक्तित्व के धनी बलवंत राय मेहता अपने पीछे ऐसी अमर विरासत छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा।